नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेक स्टार कर्जन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फोटोशॉप की सहायता से एक 3D लेटर को कैसे बना सकते हैं, किसी भी राइटिंग को दोस्तों 3D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेते हैं दोस्तों तो आप किसी भी राइटिंग को, किसी भी हेडलाइन को 3D में बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों आज मैं आपको इसी तरीके का एक राइटिंग बनाकर दिखाऊंगा, 3D लेटर कैसे आप बना सकते हैं। आप अपने हेडलाइन को या फिर किसी भी नाम को, आप राइटिंग को 3D लेटर में किस तरीके से फोटोशॉप के अंदर आप इजीली रूप से बना सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको इसी तरीके का एक 3D लेटर बनाना सिखाऊंगा कि आप ऐसा कैसे और किस तरीके से बनाएंगे। दोस्तों तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी न करते हुए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप को ओपन करके एक नया हम पहले पेज बना लेते हैं, क्योंकि पेज बहुत ही ज़रूरत होता है हमको पेज बनाने के लिए। अगर आप कोरल ड्रॉ वगैरह यूज कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ एक बार आप पेज बना लीजिएगा, आपका उसी पेज पे भी आप कितने सारे पेज को बना सकते हैं। लेकिन फोटोशॉप में हमको यहाँ पे पेज पहले फर्स्ट पेज लेना पड़ता है। तो हम कंट्रोल और एन को प्रेस करके यहाँ पे एक पेज का हमारा ये बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे हम एक छोटा सा साइज ले लेते हैं, 36 इंच और 24 इंच का एक साइज हम ले लेंगे। रेगुलेशन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं 72 ही रख रहा हूँ। यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको जो भी जिस भी चीज़ का लेटर को हमको 3D बनाना है, जो भी लिख के, आपका नाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं भी यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ जो हमारे देश का नाम है। यहाँ पे मैं भारत लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं भारत को टाइप कर दिया। कुछ इस तरीके से हमारा जो राइटिंग होगा, आप यहाँ पे बड़ा इसको छोटा आसानी से कर लीजिएगा। करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉन्ट है, यहाँ पे राज 102 इसका नंबर है। आप इस फॉन्ट को भी ले सकते हैं। अगर आप राज फॉन्ट अगर आपको हिंदी में इंस्टॉल नहीं करने आ रहा है तो मेरा ये वीडियो है, आप इसको भी देख लीजिएगा मेरे लिस्ट में जाके। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में हम क्या करेंगे कि जो हमारा राइटिंग रहेगा उसका हम एक और कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल जे को हम प्रेस करेंगे कीपैड में। कंट्रोल जे को आप जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसी चीज का एक और कॉपी हमारा बन गया है इसी लेयर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फर्स्ट वाला जो लेयर था उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हम यहाँ पे इसका आई जो है यहाँ पे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे मेरे माउस को आप देखते रहिए, यहाँ पे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो इसका रीनेम करने के लिए भी आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम रीनेम कर देते हैं, जो हम कॉपी लेयर लिए थे उसका हम रीनेम कर देते हैं। यहाँ पे मैं 3D लिख देता हूँ इसको, क्योंकि हम इसी को 3D में बनाने वाले हैं। तो 3D में हम यहाँ पे लिख दिए। लिखने के बाद में अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज़ को आप सेलेक्ट रहने दीजिएगा। ये हमारा फर्स्ट वाला तो आँख इसका बंद है, और इस पर सेलेक्ट रहने दीजिएगा, और आप क्या कीजिएगा कंट्रोल टी को आप प्रेस कर दीजिएगा। कंट्रोल टी आप जैसे सेलेक्ट कीजिएगा ये पूरा टेक्स्ट जो है हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको एरो बटन में जो अप एंड डाउन लेफ्ट राइट जो बटन होता है उसमें सबसे पहले आपको एक बार अप और एक बार लेफ्ट या राइट, आपको जिस साइड में एंगल में रखना है आप वो वाला क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में अब आप इंटर करके शिफ्ट कंट्रोल और अल्ट तीनों को होल्ड करके आप कीपैड में टी को प्रेस करते रहिएगा, टी को प्रेस करते रहिएगा। इसका ऑटोमेटिक जो है दोस्तों लेयर इसका बनता चला जाएगा। आप इस लेयर बॉक्स में भी देख सकते हैं किस तरीके से हमारा नंबरिंग का जो है ये बढ़ता चला जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका साइज के अनुसार आप जितना चाहें इसको ले सकते हैं, कितना दूर में आपको रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं समझिए तो 30 ले लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 30 कॉपी वो जो 3D हम लिखे हुए थे उसका हम ले चुके हैं। लेने के बाद में हम क्या करेंगे, ये जो आई के बटन में जो हमारा जो बॉक्स खाली है इसको हम क्या करते हैं सेलेक्ट करेंगे। इन सभी को हम एक बार में मर्ज करते हैं सेलेक्ट करके, जैसे शिफ्ट में करते हैं कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको होल्ड किए रहिएगा, माउस को यहाँ पे नीचे की तरफ लाइएगा, ये पूरा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा कि आपका कौन कौन सा एरिया सेलेक्ट रहना चाहिए, कौन कौन सा लेयर सेलेक्ट रहना चाहिए। यहाँ पे सीधा पूरा जो हमारा जो जो लेयर है वो सारा सेलेक्ट हो गया है। तो पहले इसको हटा देते हैं, और इसका जो इसका हम आँख बंद किए थे यहाँ पे हम इसको भी हटा देते हैं।
हटाने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर वाला जो लेयर रहेगा हमारा, जो 30 जो 30 नंबर का जो लेयर है यानी कि लास्ट वाला, उसी पे हम वर्क करेंगे दोस्तों। तो हम किस तरीके से करेंगे, इसको हम पहले कलर में करते हैं। तो मेन हमारा जो दोस्त है कि जैसे जो कलर आपको सीड में रखना है, जैसे अगर येलो कलर मान लेते हैं, येलो कलर हमको दिखाना है या फिर आपको ब्लू कलर दिखाना है, तो आपको पहले कलर वाले ऑप्शन में आपको उस चीज़ को रखना होगा। अब जैसे हम यहाँ पे हमको येलो कलर वाला डिज़ाइन बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाई वाला जो है इसको पहले वाइट करके आप यहाँ पे 100 कर दीजिएगा। 100 करने के बाद में आप यहाँ पे देखिएगा, ये पूरा रेड पूरा येलो हो जाएगा। उसके बाद ये बेवल एंड इम्बोस का जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद ये जो डेप्थ जो है इसको आप पूरा बीच सेंटर में रख दीजिएगा दोस्तों, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे चलेगा उस तरीके से आप रख दीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद में ये जो एंगल है हमारा दोस्तों, इस एंगल को कुछ नीचे की तरफ, ये जो हमारा जो 3D जो दिखता है लेटर, वो इसी एंगल के हिसाब से एडजस्ट करने के हिसाब से ही हमारा कोई लेटर 3D में बन पाता है। तो इस एंगल को आप अपने हिसाब से ही सेट रखिएगा। मैं जितना रख रहा हूँ उसके हिसाब से भी आप रख सकते हैं दोस्तों, बाद बाकी आप अपना चेंज करके देख लीजिएगा। ये ग्लॉस काउंटर जो है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये वाला हम रख देते हैं यहाँ पे। इस वाले ऑप्शन पे हम सेलेक्ट रखेंगे, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है हमारा, यहाँ पे हम सेलेक्ट रख देंगे। रखने के बाद में हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के बाद में अब जो हमारा कलर था, तो कलर तो हमारा येलो था जो हम कलर लिए हुए थे, तो अब हम पीला कलर के साथ में देखेंगे कि और कौन कौन सा कलर उसके हिसाब से मैच हो सकता है। तो पीला कलर के हिसाब से हमारा थोड़ा सा केसरिया कलर का हम इसमें, क्योंकि जस्ट देख सकते हैं आप पीला कलर के नीचे ही ये कलर रहता है, तो आप थोड़ा सा चाहें तो इस तरीके का भी आप डिज़ाइन इसमें डाल सकते हैं। इस तरीके से हम रख देंगे। रखने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको भी आप थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। बढ़ाने के बाद में इसको आप बाद में छेड़छाड़ कीजिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, इतना कर लेने के बाद में जो भी कलर हो, आप जिस भी कलर में डिज़ाइन बना रहे हैं, इतना अगर आप कर लेते हैं, इसको आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद में आप यहाँ पे इसको आप क्लिक कीजिएगा, जो हमारा सबसे ऊपर वाला जो लेयर है इस पे, यहाँ पे हम राइट बटन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे कॉपी लेयर स्टाइल का ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में फिर से हम जाएंगे, यहाँ पे राइट बटन को क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पेस्ट लेयर स्टाइल टू लिंक्ड, जितने सारे हमारे लेयर को जो हम एक में सेलेक्ट किए हुए हैं, वो सारे लेयर पे ये पेस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देख सकते हैं हमारा सारा लेयर पे वही वाला चीज पेस्ट हो गया है, पेस्ट हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ऊपर वाला ही हमारा सेलेक्ट है। अब हम एंगल को आपको समझा के दिखा देते हैं कि किस तरीके से एंगल को आप सेट करते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम इस एंगल को सेट करते हैं, कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हमारा बन जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम सेट कर देते हैं, ये अलग अलग एंगल से अलग अलग डिज़ाइन आपका ये बनता चला जाएगा। आपका जो अच्छा लगेगा आप वही वाला रहने दीजिएगा दोस्तों। ये मान लीजिए हमारा कुछ इस तरीके से हम ये बना लिए हैं। अब बनाने के बाद में जो हमारा जो फर्स्ट वाला जो हम टेक्स्ट जो लिखे हुए थे ओरिजिनल, वो हमारा तो नीचे है, सब लेयर के नीचे है, तो उसको हम लाने के लिए, सबसे ऊपर लाने के लिए एक तो तरीका है कि आप यहाँ से खींच के भी ऊपर सबसे ऊपर ले जा सकते हैं, या आप शिफ्ट और कंट्रोल को आप प्रेस कीजिएगा और बड़ी कोस्ट को आप इस तरीके से पेस्ट कर दीजिएगा, ये सबसे ऊपर लेयर हमारा ये आ जाएगा, ये सभी लेयर के ऊपर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, यहाँ पे हम एडजस्ट कर देते हैं। जूम करके भी आप चाहें तो देख सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें भी हम एक कलर वगैरह पहले फिल कर देते हैं, कलर वगैरह पहले मैं फिल कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे मैं एक ग्रेडियंट में कलर लेने वाला हूँ, तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे के तरफ में थोड़ा सा कत्थक टाइप का हम कलर दे देंगे और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बना देंगे। बीच में हम पूरा रेड को रख देते हैं, कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और इतना हम करके छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जगह पर हम सेट कर दिए हुए हैं। फिर से हम इसका आँख बंद कर देते हैं। अब जो आप 3D जो बनाए हुए थे, यहाँ पर जब आप जूम करके देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारा जो लेयर हम लिए हुए हैं, तो ये इसका ये कट मार्क हमारे राइटिंग के अंदर दिख रहा है। तो इस चीज़ को आप ख़त्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3D वाले लेयर पे सेलेक्ट रहने देंगे, जो सारा लेयर हम एक में किए हुए हैं। उसको करने के बाद
आप क्या कीजिएगा, जब इतना डिजाइन हमारा हो जाएगा तो इस सभी लेयर को आप एक में सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंट्रोल ई को आप प्रेस कीजिएगा। ध्यान रहे आप जो ओरिजिनल था उसको नहीं छेड़छाड़ कीजिएगा, जो आप 3D में करके और जितने सारे लेयर को आप सेलेक्ट किए हुए थे उसी को आप कंट्रोल ई से आप सभी लेयर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। शिफ्ट को प्रेस नहीं कीजिएगा, कंट्रोल ई से ही आप सभी लेयर को पेस्ट कर दीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से हमारा ये सारा लेयर एक लेयर में बदल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे हम नॉइज पे जाते हैं। नॉइज पे जाने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेडल लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही ये ऑटोमेटिक एक या दो पॉइंट आप रखिएगा तो ये हमारा अच्छे से हो जाएगा। दोस्तों होने के बाद में आप इसके ऊपर ये कुछ इस तरीके से हमारा राइटिंग आ जाएगा। राइटिंग आने के बाद में अगर आपको स्ट्रोक लेना होगा, अगर आपका राइटिंग अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप आउटसाइड न करके इसका पोजीशन आप इनसाइड के ओर रखिएगा और यहाँ पे आप अपने स्ट्रोक को भी दे सकते हैं जो अंदर की तरफ ही रहेगा, थोड़ा सा आप रख दीजिएगा। रखने के बाद में अगर थोड़ा और एट्रैक्टिव दिखना है इसको तो इसी जो लेयर हमारा जो एक लेयर बन गया हुआ है उसी को हम ड्रॉप शैडो में कोई सा भी एक कलर हम दे सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों जो हम सेलेक्ट किए हुए थे ये कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ सेट हमारा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ये जो सही का निशान बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो अब आप चाहें तो इसको अपने मर्जी से किधर किसी भी साइड में रख सकते हैं, घुमा सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरीके से ही हमारा जो 3D लेटर है वो पूरा बन के तैयार हो जाता है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको फोटोशॉप से रिलेटेड किसी भी समस्या से कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में अगले किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।